हेलो गाइस कैसे हो आप सब सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आज जो है आप सभी का पेपर हो गया है एंड बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि क्या पेपर टफ आया था कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की सबसे ज़्यादा अब जो है यहाँ पे जो है कंसर्न है नवंबर ट्वेंटी के स्टूडेंट्स की मैम हमें ना पूछ के बताओ बच्चों से कि हमें आइडिया मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ आज जो है एग्ज़ाम के दिन कैसे गया उनका एग्ज़ाम एंड क्या क्वेश्चन आए थे सो so दैट हमें जो है प्रिपेरेशन करने में एक थोड़ी सी आइडिया तो मिल जाए तो यहाँ पे मेरे साथ एक बच्चा है जिसने जो एग्ज़ाम दिया तो मैं उससे जो है सारे सवाल करने वाली हूँ एंड वो जो है ये सारे सवालों के जवाब देगी ठीक है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है तो यहाँ पे जो है ये हमारे साथ है आज इसका एग्ज़ाम था टू टू फोर बी के बैच में था एंड डेफिनेटली इन्होंने भी जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस की है तो सबसे पहला सवाल है इनसे एंड uh, ये भी आप सब की तरह ही है ठीक है जैसे आप लोगों ने एंड में की इन्होंने भी एंड में की एंड इनका भी जो है सी एस इन्होंने ट्वेल्थ के बाद ही दी है तो सबसे पहले बताओ कि सर्वर का क्या इशू था कितने बार प्रॉब्लम हुई आपको सर्वर दो बार बंद हो गया एक फोर्टी फाइव क्वेश्चन पे थी तब बंद हो गया उसके बाद एंड एग्ज़ाम करना था सबमिट करना था तब बंद हो गया ओके okay, ये एक बार प्रॉब्लम हुई हाँ और Uh, दूसरी बार जब uh, पेपर सबमिट करना था कि हो चुका है सब रीड करके कर दिया उसके बाद एंड एग्जाम का ऑप्शन नहीं आ रहा था जब ऑप्शन आया तो क्लिक नहीं हो रहा था बहुत से प्रॉब्लम फेस किए तो जब आपका पहले टाइम पे प्रॉब्लम हुआ तो तब आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया uh, मैंने उस प्रॉब्लम को एस्केप और एल्ट बटन करके बटन आते मैंने उनको प्रेस किया और दो तीन बार प्रेस किया फिर उसके बाद आया कि गूगल क्रोम गूगल क्रोम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कि वेट फॉर द रिस्पॉन्ड और क्लोज द अप्लीकेशन फिर मैंने तीन बार उसको इग्नोर किया बट मैंने फिर से प्रेस किया फिर मैंने क्लोज़ किया फिर पूरा जो मेरा लैपटॉप है उसको मैंने पूरा शट डाउन करके फिर से स्टार्ट किया उस वक्त इतना टेंशन हो रहा था कि क्या पता क्या होगा उसका था ऐसे ही ऐसा है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंटिन्यूस ट्राई कर रही थी बट पता नहीं लग रहा नहीं था कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे बहुत ट्राई की उसके बाद मैंने शट डाउन किया फिर से रीओपन किया फिर से लॉग इन किया और उसके बाद थैंक टू गॉड कि मेरा फोर्टी फाइव क्वेश्चन ही कंटिन्यू हुआ अच्छा यानी कि जहाँ पे रुक गए थे वहाँ से कंटिन्यू हाँ वहाँ से हुआ अच्छा नेक्स्ट सवाल है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर क्योंकि जो नवंबर ट्वेंटी के स्टूडेंट्स हैं उनका वाइवा में भी हो सकता है ठीक है क्योंकि वाइवा इज समय सिमिलर टू प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन उसमें भी जो है ग्रामर के क्वेश्चन ही वो पूछेंगे एन रिकॉर्डेड वीडियोज़ तो यहाँ पर ये बताओ कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का कैसा गया एग्जाम लाइक टफ था क्या था कौन से एम सी क्यूज पूछे एम सी क्यूज तो वो नहीं है आपको जो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक आप ग्रामर करते हो uh, वो सब याद रखो मोस्टली आर्टिकल्स याद रखो आर्टिकल्स uh, क्या होते हैं कौन सी जगह पे होंगे वो सब याद रखो और जो पैसेज आया था अभी एग्जाम में काफ़ी इजी था सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए वर्ड्स का वॉकेबलरी स्ट्रॉन्ग uh, होनी चाहिए आपकी अगर इतनी सी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो सामने लिखा है वो आप ख़ुद के मन में हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओ अच्छा इन शॉर्ट जो पैसेज था वो ईजी था यानी अगर कोई बच्चा फ्लूंट इंग्लिश नहीं बोलता तो उससे प्रॉब्लम होगी नहीं इतनी नहीं होगी

और जो विलेज लाइफ है वहां पे उनको रिस्क कम है उनको तो मोस्टली डिजीज भी ज्यादा नहीं होती अच्छा इसके ऊपर पैसेज था इसके ऊपर पैसेज था अच्छा उसके बाद करंट अफेयर्स अब करंट अफेयर्स के लिए कैसे थे क्वेश्चंस लाइक इजी थे क्या था well, uh, एंड स्टडी मटेरियल आपने रीड किया था कि नहीं स्टडी uh, मटेरियल इतना रीड नहीं किया था जो मॉक टेस्ट आई सी आई की तरफ से प्रोवाइडेड थी उनका मुझे किसी ने दो तीन दिन पहले सजेस्ट किया कि वो लर्न करके जाओ तो मैंने उसका एम लर्न कर दिए मुझे किसी ने पी सेंड किया मैंने वो लर्न कर दिए उसके बाद करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स के बारे में आप रखो ब्रिक्स के बारे में याद रखो जी ट्वेंटी के बारे में याद रखो और ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल नेशनल रिलेटेड होती है वो सब याद रखो अभी मोस्टली जैसे एक क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में कि 2016 में प्रेसिडेंसी किसने ली थी जी ट्वेंटी की तो सब बोलेंगे चाइना चाइना बट नहीं चाइना ने बाद में ली थी इंडिया ने ली थी तो ऐसे सब रिलेटेड मैटर्स है जो आपको याद रखने चाहिए तो इन शॉर्ट अगर स्टडी मटेरियल नहीं करते हो एंड जनरल नॉलेज है तो क्लियर हो जाएगा हाँ, हाँ हो जाएगा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम कैसा था बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ईजी था क्योंकि उसमें मोस्टली ग्रामर पार्ट था कि स्पेलिंग राइट चूज करो मोस्टली uh, जो सेकेंड चैप्टर में आइडम्स है वो मेन लर्न करने चाहिए आपको क्योंकि जो हमारी मॉक टेस्ट हुई थी ट्रायल मॉक टेस्ट उसमें आइडम्स ज़्यादा थे और इसमें मोस्टली नहीं थे और फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रेंड्स का ऐसे कुछ था कि कौन सा वर्ड आएगा तो अभी हमको फ्रेंड्स तो आती है नहीं <laughs> इतने दम है नहीं तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना होगा यानी इन शॉर्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को जो है अगर आप स्किप भी करते हो एंड ग्रामर की नॉलेज है तो क्लियर हो जाएगा स्किप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि जो ग्रामर आपने पढ़ा है नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव ये सब वही तो है उसमें एक बार आप रीड आउट कर लो दो तीन बार रीड आउट कर लो दिमाग में बैठ जाता है मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं, नहीं है आपके नहीं नहीं लर्न करने की जरूरत नहीं फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम के पहले रीडिंग की तो क्या हो जाएगा हाँ मैंने भी खुद ऐसे ही किया था ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट है बिज़नेस इकोनॉमिक्स अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये बताओ कि क्या क्वेश्चन टफ़ आए थे ईजी आए थे एंड क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स टफ था तो आपको क्या लगता है क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में इन डेप्थ रीडिंग की थी तो आप ये बताइए कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स में क्या इनडेप रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड जो क्वेश्चन थे आपको क्या लगता है स्टडी मटेरियल से आए कि स्टडी मटेरियल के बाहर आए क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं स्टडी मटेरियल से नहीं आए तो आप बताइए अभी देखो अभी जो पढ़ेंगे नहीं उनको तो यही लगेगा स्टडी मटेरियल से नहीं आए हैं अच्छा ओके okay. uh, बाकी अगर आपको ध्यान से पढ़ना जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर डिमांड सप्लाई के ऊपर इतना तो आपको पता है ना क्या होता है जैसे क्वेश्चन था एक्स एक्सो वाइस रीड गुड उसके रिलेटेड क्वेश्चन था तो इतना तो पता है आप अच्छे से रीडिंग करो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे रखो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं बैठे तो होते हैं बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होते बुक में तो ये चीज मत किया करो तो हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन थे लगभग थे लगभग थे एंड स्कीम्स ज़्यादा पूछी थी इकोनॉमिक्स में कि ईयर yes, ज़्यादा पूछे थे डेटा पे ज़्यादा फोकस था सब बैलेंस्ड था सीधी सी बात है किसी से ज़्यादा क्वेश्चन थे किसी के चैप्टर में से कम क्वेश्चन थे अच्छा तो डेटा ज़्यादा था ईयर्स एंड स्कीम्स स्कीम्स के बारे में था थोड़ा 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 मैंने कहा पहले डेटा इन देंस न्यूमरिकल डेटा जैसे कि चैप्टर फोर में आपको कितनी बैंक्स है एंड म्यूचुअल ईयर म्यूचुअल फंड्स जो है ईयर्स ये सब था डेटा हाँ ये सब था कि म्यूचुअल फंड्स को कौन वो करता है उसके बाद ऑन एंड एवरेज कितने क्वेश्चंस थे लाइक like डेटा के ऊपर क्योंकि बच्चों को जो है डेटा का इश्यू है बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है चार पाँच छः ऐसे अच्छा यानी टेन टू टेल्व मार्क्स हाँ टेन टू ट्व मार्क्स ओके सो आपके हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका कैसे गया एग्ज़ाम मेरा तो अच्छा गया कि क्योंकि इन इनडेप्थ रीडिंग करनी चाहिए ईयर याद रखो अगर आपसे ऐसा नहीं होता है कि इतना तो लर्न नहीं होगा मुझसे ईयर याद रखो हिंदी में मीनिंग याद रखो कौन बोल रहा है उसको लर्न करो कौन से चैप्टर स्किप किए थे इकोनॉमिक्स में आपने वैनिफिफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी चैप्टर सिक्स किया था चैप्टर सेवन किया था चैप्टर सेवन में तो बहुत ही ज़्यादा डेटा है आपने कैसे मैनेज किया uh, किया मैनेज uh, थोड़ा 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 कर करके रोज़ दो दो तीन तीन पेज चार पांच पेज ऐसा करके ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले ये बताओ लॉजिकल रीजनिंग uh, क्या टफ था या इजी था आप सिर्फ इतना बताओ कि प्रैक्टिकल्स विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर पाए कि नहीं दो तीन क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेटिंग uh, मतलब कैलकुलेट करने की नीड थी बाकी इजी थे ऐसा कुछ था नहीं अच्छा मतलब कैलकुलेटर की वहाँ पे आपको दो तीन क्वेश्चन में लगा कि कैलकुलेटर मेरे पास होना चाहिए था हाँ होना चाहिए था इजी था ईजी था कि इसके बाद ये थ्री नंबर्स प्रोवाइड किए थे फोर नंबर्स कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा अब मुझे लॉजिकल रीजनिंग इतनी तो आती है नहीं मैंने तो ऐसे ही टुका हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने जो है टुका मारा एंड बाकी में बाकी जो बाकी में एक स्टार के शेप के रिलेटेड क्वेश्चन था तो अभी तो छोटे बच्चे को भी पूछो उसको भी स्टार की शेप पता होती है तो वो था ओके okay. एंड uh, उसके बाद आपने लॉजिकल रीजनिंग में फोकस किया हुआ था लीगल लीगल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड अच्छा ठीक है यानी कि लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आपकी कमजोरी है हाँ, कमजोरी है उसके बाद जो है बट आपको तभी भी इतना नहीं लगा क्योंकि आपने गो थ्रू किए थे लॉजिकल रीजनिंग की नहीं बिल्कुल नहीं तभी भी आपने जो है क्या किया मतलब टुकड़े मार किया एग्जाम जय माता दी अच्छा ठीक है मतलब इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे जो है गलती कर दी ठीक है उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड लीगल लीगल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात करें तो में जो है क्या लगता है आपको कैसे थे Questions, आपके एप्टीट्यूड आप uh, था अगर जिसने एकदम अच्छे से पढ़ा है uh, मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन okay, uh, अच्छा, दूसरे चैप्टर्स दूसरे दूसरे जो भी थे किए थे मैंने उसमें से एक भी स्किप नहीं किया था या yeah, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने की चलो ठीक है ये पट नहीं करूँगी सब किया था मैंने क्योंकि मेरा मेन फोकस वही था कि मुझे इसमें कैसे भी करके बीस लानी है क्योंकि मुझे लॉजिकल रीजनिंग तो आती ही नहीं है ओके okay. सो so, अगर अब जो है लीगल एप्टीट्यूड में जो है आपको जो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग कमजोरी थी आपकी एंड लीगल एप्टीट्यूड आप करके गए तो क्या अगर बच्चा सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड करके जाएगा तो पास आ, हो सकता है कि नहीं आपके हिसाब से क्योंकि आप तो यहाँ पे खुद जीता जागता जो प्रूफ हो हमारे पास कि आपने नहीं किया था तो आप हाँ नहीं किया था ओपन सी बात नहीं किया था मैंने सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड किया था मैंने तो बुक को भी नहीं देखा था तो लीगल एप्टीट्यूड आपके हिसाब से कैसा था लीगल एप्टीट्यूड ईजी था ठीक है लीगल एप्टीट्यूड इनको ईजी और हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन थे लगभग थे अच्छा एक्जाम्पल देंगे लाइक चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर में से कौन से क्वेश्चन थे जितने याद हो क्योंकि मुझे है मैंने जब आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आपने कहा मुझे कि वन क्वेश्चंस मैम कितने बताऊंगी मैं आपको वही <laughs> तो बात है वन क्वेश्चंस में से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर उसके पूछोगे कैसे याद रखेगा कोई भी इंसान ठीक है चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर के अगर आप कुछ बता सको जैसे कि आपने मुझे चैप्टर थ्री का बताया एक कि मैम पूछा गया था मोटो ऑफ आईसीएसआई क्या है हाँ ये क्वेश्चन था एंड उसके बाद आपने ये भी बताया कि कंपनी सेक्रेटरी की जो है एक्ट कौन सी नाइनटीन एटी हाँ अच्छा चलो आपको इतने याद है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के माहौल से जो है बाहर निकले <laughs> नहीं हो एंड मैं आपसे सवाल पूछ रही उसके बाद जो एंड में आप ये बताइए कि आपने कौन से बुक्स रेफर किए थे कौन से लेक्चर्स देखे थे Uh, मैंने बुक्स तो आई सी एस आई की तरफ से था स्टडी uh, मटेरियल वही कुछ परचेज किए थे नहीं बिल्कुल नहीं एक भी नहीं एंड एम सी क्यू सॉल्व किया था सभी मतलब uh, जितने सब्जेक्ट हैं उन सबके मिला के सॉ किए होंगे बस सौ मतलब इन शॉर्ट आपने एमसीक्यू सी सॉल्व नहीं किए हाँ बोल सकते हो नहीं किए तो फोकस कहाँ पे रखा रीडिंग पार्ट पे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे कि जो मुझे समझ रहा है वो जो नहीं समझ रहा है वो गूगल करो इन शॉर्ट स्टडी मटेरियल पे डिपेंडेंट हाँ फुल फुल स्टडी मटेरियल पे ओके उसके बाद जो है क्लासेस लिए थे आपने कहीं से हाँ जो आई में जब रजिस्टर किया था तब तो उन लोग ने फ्री प्रोवाइड किया था बट उसमें भी क्या होता था जो सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड किया था वेब एक्स करके उसमें मेरी वाईफाई सपोर्ट नहीं करती थी इधर इंस्टा इंस पर सपोर्ट करती थी तो मैं भी पता नहीं क्या इशू था तो मैं ज़्यादा लेक्चर्स देख नहीं पाती थी और जो आई का यूट्यूब चैनल है अभी आपको तो पता है यूट्यूब पर ज़्यादा गाने सुनने का वो लगता है तो इतना कुछ किया नहीं था जो किया था कुछ से किया था अच्छा यानी कि स्टडी मटेरियल पर ही जो है आपने फोकस रखा एंड मैराथन सीरीज़ देखी थी कोई भी एक भी नहीं ओके क्यों मैराथन सीरीज अगर मैं देखने बैठूंगी तो मोस्टली टेन टू ट्वेल्व आवर्स की होगी या फाइव टू सिक्स आवर्स की अगर मैं छः घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट करूंगी तो बाकी किधर जाऊंगी कब मैं रीड करूंगी एक जगह पे फ़ोन लेके आप ऐसे बैठोगे छः घंटे आंखों पे इफ़ेक्ट होता है कैसे करोगे मतलब आप सिर्फ दिमाग में जाता जा रहा है जाता जा रहा है जो बट बीच में पॉज करके भी तो आप कर सकते थे ना मैराथन पॉज करके कर सकते थे ये आपकी बात एकदम सही है मैम बट कैसे ही? अगर हम ऐसा करेंगे रीड कब करूंगी छः घंटे आप एक सब्जेक्ट पर इन्वेस्ट करोगे तो बाकी के तीन सब्जेक्ट की तर जाएंगे इन शॉर्ट आपको डर था कि मैं लेक्चर ही देखूंगी तो रीडिंग कब कर हाँ यही बात है अगर टीच जो भी रिस्पेक्टेड टीचर सर है वो तो एक्सप्लेन करके चले जाएंगे रीड करना मेरी जिम्मेदारी पेपर में टिक करना मेरी जिम्मेदारी है ओके okay. सो so, अब आप नवम्बर ट्वेंटी के वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगी जो भी है खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो स्टडी मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहो किसी भी मैराथन में ये नहीं कहती मैराथन मत देखो देखो आपकी ओन विशेष सबका अलग 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 वो होता है रेफरेंस होता है कि ये करूंगा मैं वो करूंगा बट रीडिंग मेन करो क्योंकि आप रीडिंग ही नहीं करोगे तो आपको ईयर कैसे याद होगा और अगर एम सी क्यू सॉल्व नहीं किए तो पास हो सकते हो सकते हैं अगर जिसको ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा है ओके okay. सो so, और कुछ टिप्स आप देना चाहोगे हाँ अच्छे से रीड करो जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लो जो नहीं समझ रहा है वो गूगल करो यार आप और uh, जिस भी रिस्पेक्टेड टीचर के साथ पढ़ते हो या जो भी आपको पढ़ाता है उससे पूछो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो अच्छे से खाओ पियो सो कि ये नहीं हो रही ऑगस्ट खत्म होने पे आ गया मेरा तो पेपर है रात को सोऊंगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं ये सब मत करना अपनी हेल्थ के साथ मत खेलना ओके okay. so, और एक और बात ऑल द बेस्ट नम स्टूडेंट्स के लिए सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ पर इन्होंने जो है अपना जो है रिव्यू दे दिया है कि इनका एग्ज़ाम्स जो है कैसा गया ना आई होप कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया एन सी एस एग्जीक्यूटिव में आ जाए तो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर